मॉडर्न हिस्ट्री के तीन सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर। नंबर 3, किंग फैजल। दोस्तों, किंग फैजल सऊदी अरेबिया के एक लीडर और ताकतवर किंग थे, जो कि अपनी पूरी जिंदगी फिलिस्तीनियों के हक में रहे और वक्त वक्त पर अमेरिका को उसके औकात बताते रहे। नंबर 2, उमर अल मुख्तार। दोस्तों, उमर अल मुख्तार लीबिया के एक अजीम फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने 90 साल की उम्र तक लीबिया से इटली की फौज को खदेड़ा और आखिर में पकड़े जाने पर एक महान क्रांतिकारी की तरह फांसी के फंदे पर चढ़े। नंबर 1, दोस्तों नंबर 1 पर जो लीडर आते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक औरत की फरियाद पर इसराइल जैसे ताकतवर देश पर मिसाइलें दाग दी थी और इन्होंने अपने 27 लीटर खून से एक कुरान भी लिखवाया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इराक के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन की, जो कि 20 सालों तक इराक के हुक्मरान रहे और जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो साल 2003 में इन्हें भी कैदी के तौर पर फांसी दे दी गई।